नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रैड लर्न के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे SSC MTS के पेपर्स के बारे में, ठीक है ना, जो 2019 के अगस्त में होता 2019 में जो आपको अगस्त में पेपर हुआ था उसके फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग के पूरे 50 क्वेश्चन जानेंगे। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अगर कोई भी बच्चा 50 क्वेश्चन में से अगर 40 क्वेश्चन, ठीक है ना, 40 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन अगर कर पाता है, 35 क्वेश्चन कोई भी बच्चा कर पाता है तो उसकी तैयारी एकदम अच्छी है, ठीक है ना, उसकी तैयारी अच्छी है। और जिसको आपका 30 से नीचे रहता है, जो भी बच्चा 30 क्वेश्चन से नीचे कर पाता है उस बच्चे को तैयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक ब्रैड लर्न विद एमके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट करके इसको दबा लीजिएगा गाइस, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करें, तो फिर शुरुआत करें, एक बार शेयर कर दो गाइस पहले क्लास को शेयर कर दो सभी के पास, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर देते जाएंगे, ठीक है ना। और सभी को बता दूं क्लास को शेयर कर दीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, ठीक है ना। क्लास को जाने के बाद भी शेयर करेंगे और क्लास में आने के बाद पहले सभी बच्चे आएंगे तो क्लास के बारे में सभी से बोल के आएंगे और फिर उसके बाद लिंक शेयर कर देंगे क्लास का, ठीक है ना। तो चलिएगा इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, अपना पहला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो एक बार, इस क्वेश्चन को देखो गाइस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान का हिस्सा नहीं था। जल्दी बताओ गाइस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गाइस कौन नहीं था। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, महात्मा गांधी, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, ठीक है ना, महात्मा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। जब आपका प्रारूपण तैयार हुआ था संविधान का तब कौन नहीं था जिम्मेदार, तो आपका महात्मा गांधी नहीं थे। सभी को समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा गाइस, सोमनाथ मंदिर के किस राज्य के तट पर स्थित है। जो सोमनाथ मंदिर है आपका, ये किस राज्य के तट पर है, वो स्थित है किस राज्य के तट पर है गाइस, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। सोमनाथ मंदिर जो है आपका, ये किस राज्य के तट पर है, आंसर दे दो जल्दी से सभी बच्चे। फ्रेंच का आंसर बताता हूँ क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए आंसर दे दो गाइस। ये SSC MTS का एग्जाम है, SSC MTS का एग्जाम आपका जो 2019 में होता है उसका पेपर है, पूरा फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग का जनरल अवेयरेंस का पूरा पेपर है। इसमें आपके 50 क्वेश्चन है, पूरे कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है आपके, ओके 25 आपके पूछे जाते हैं SSC MTS में, तो आपको 25 फर्स्ट मीटिंग के हो गए, 25 आपके सेकंड मीटिंग के हो गए, टोटल आपके 50 क्वेश्चन है। चलिए गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार राइट आंसर बताइए, बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गुजरात, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी गुजरात। चलिए अगले क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देखो, इस क्वेश्चन देखो, नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं। नॉकडाउन और नॉकआउट ये किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं गाइस, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। नॉकआउट और जो आपका नॉकडाउन होता है ये किस खेल से जुड़े हैं, बहुत अच्छा गाइस, सभी को पता होगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, किससे है, तो ये बॉक्सिंग में आपका नॉकआउट किया जाता है। नॉकआउट किस में किया जाता है, बॉक्सिंग में किया जाता है। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन गाइस। वीडियो अगर सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, एक बार वीडियो को सभी बच्चे लाइक करेंगे, ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाओ और सभी बच्चे देखेंगे किसने कितने आंसर सही किए। चलिए अगला क्वेश्चन ले रहा, इसको देखो एक बार, शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी। तो कौन सी बन गई थी मराठा साम्राज्य की राजधानी का, जल्दी बताओ एक बार, कौन सी हो गई थी वो, आंसर दे दो जल्दी से, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर का, जल्दी बता दो एक बार मुझे, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे गाइस, क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी पूना, ठीक है ना, पूना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलें, अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देख लो, ये रहा अगला क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपर मुखी गति में मदद करती है, जल्दी बता दो मुझे, कौन सी प्रक्रिया है जो जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरमुखी गति में मदद करती है, अवसादन या आपका संघनन, संचय या बाष्पोत्सर्जन, कौन सी होती है प्रक्रिया आपकी, जल्दी बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपने जूनियर क्लासों से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन, सभी को समझ में आ गया ना, बाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चले गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो एक बार,
चलिए इसका राइट आंसर मैंने आप सभी को बताई दिया क्या हो जाएगा, बाथपुर सर्जन हो जाएगा। इसका राइट आंसर सभी को बताई दिया मैंने, ठीक है ना गाइस। अगला क्वेश्चन ले रहा है, इसको एक बार देखो, इस क्वेश्चन को देखो एक बार, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना सभी बच्चों को क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था, इसके लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जो गाइस जिम्मेदार था, जनरल डायर, जनरल इरविन या जनरल क्लाइव या जनरल लॉन्स, जल्दी बताइए कौन था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा गाइस। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको ऑप्शन हो जाएगा जनरल डायर, क्या हो जाएगा जनरल डायर, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चले गाइस, अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ सभी बच्चे आंसर देते जाओ। अगला क्वेश्चन रहा, मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है, ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का है वो निर्माण होता है, जल्दी बताओ आंसर क्या हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल, मेथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड या एथेनॉल, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताओ गाइस कौन सा हो जाएगा वो, कौन सा होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आंसर दे दो गाइस। इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, कौन सा हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन है एकदम सही है, ठीक है गाइस सभी को समझ में आ गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो एक बार, इस क्वेश्चन को देखो, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था, जल्दी जल्दी आंसर दे दो गाइस इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन आपका, जल्दी आंसर दो। ये गाइस पूरा एसएससी एमटीएस का पेपर है, पूरा एसएससी एमटीएस का पेपर है, 20 अगस्त को जो हुआ था आपका, फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग दोनों का पेपर है, टोटल आपके 50 क्वेश्चन है इसमें, इस क्लास में 50 क्वेश्चन है टोटल गाइस। देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन भी हो जाएगा नागपुर अधिवेशन, कौन सा हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देखो गाइस, इस क्वेश्चन को एक बार देख लो सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई, कौन सी पुस्तक है जो आपकी ज्योतिबा फुले ने लिखी थी, आंसर दे दो गाइस। ऑप्शन ए है आपका गुलामगिरी, ऑप्शन बी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है विंग्स ऑफ फायर, ऑप्शन डी है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जल्दी बताओ गाइस ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, आंसर दे दो गाइस इसका क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दो गाइस। आपके टोटल 50 क्वेश्चन है इसमें, जो भी बच्चा 40 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन करेगा उसकी तैयारी एकदम सही है, ठीक है ना, तो उसे प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वो अपने मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दे। और जिस बच्चे कोई अभी 30 ही क्वेश्चन हो पा रहे हैं, 30 से कम क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, वो बच्चा थोड़ा मेहनत करे, अपना बेस क्लियर करे। गाइस देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा गुलामगिरी, क्या हो जाएगा गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले ने आपकी कौन सी पुस्तक लिखी है, तो गुलामगिरी लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देखो, भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है, भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है, गंगा के मैदान में, छोटा नागपुर पठार या राजस्थान या नीलगिरी पहाड़ियों में, कहां पर पाई जाती है, कैसे एक बार आंसर दे दो, किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है, जल्दी आंसर दो गाइस। तो किस में पाई जाती है आपकी, ये क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, आंसर दे दो जल्दी से। देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान, क्या हो जाएगा गाइस राजस्थान, एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन में चले, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देख लो, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, जो हुंडरू जलप्रपात है ये किस नदी पर गाइस स्थित है, जल्दी आंसर दे दो सभी बच्चे, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये किस नदी पर पड़ता है गाइस, गाइस देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, हुंडरू जलप्रपात आपका सुवर्णरेखा नदी पर पड़ता है, सुवर्णरेखा नदी पर पड़ता है आपका, सभी को समझ में आ गया ना हुंडरू जलप्रपात। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे चलें, अगला क्वेश्चन है इसको आंसर देखो सभी बच्चे, इसका आंसर देंगे इस क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर देंगे, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहें तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है, यानी कि किसी वस्तु की मांग अगर ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है ना, तो उसकी कीमत में और उसकी मांग में क्या संबंध होता है, जल्दी बताओ। मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहें तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है, गाइस आंसर देंगे सभी बच्चे।
क्या संबंध होता है? तो गाइस देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नकारात्मक, ठीक है ना, नकारात्मक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलें। किस त्यौहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोग क्रैम नृत्य किया जाता है? जल्दी बताओ, किस त्यौहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोग क्रैम नृत्य किया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर दे दो गाइस, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, क्या होगा, जल्दी आंसर दो गाइस। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा बांग्ला, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा बांग्ला। सभी को समझ में आ गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देखो, इस क्वेश्चन को देखो गाइस। किस भारतीय अर्थशास्त्री को 14 मार्च 2019 को प्रतिष्ठित बोडले मेडल से सम्मानित किया गया था? जल्दी बताओ। हर रोज शाम को 9 बजे क्लास में लाइव आना मत भूला करो, ठीक है ना, हर रोज आप 9 बजे आएंगे, हर रोज 9 बजे आप आ जाएंगे क्लास में, सभी बच्चे रोजाना आ जाएंगे 9 बजे, ठीक है ना। चलिए गाइस देखिए इसका राइट आंसर बता दो एक बार मुझे, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस भारतीय अर्थशास्त्री को 15 मार्च 2019 को प्रतिष्ठित बोडले मेडल से सम्मानित किया गया था? गाइस देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन भी हो जाएगा अमर्त्य सेन, ठीक है ना, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को, ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देखो, इस क्वेश्चन को देखो। ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन है? गाइस ये क्वेश्चन हमने कल किया था, ये क्वेश्चन कल कर चुके हैं हम, ठीक है ना, SSC CSSL के एग्जाम में पेपर में आया था, क्वेश्चन था आपका इनमें से कौन सा और पुरस्कार है जो आपका सबसे बड़ा है, तो वो आपका कौन सा था, ब्लू क्रॉस था। तो ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन है गाइस, तो कौन है गाइस आपके, अभिनव बिंद्रा आपको जाएंगे, शूटिंग के लिए दिया जाता है आपको, ठीक है ना। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन में चलें, पर ये कब मिला था इन्हें, तो 2018 में मिला था, ये 2018 में मिला था। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देख लो सभी बच्चे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर गाइस। चलिए आंसर बताओ, की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है? जल्दी बताओ, किसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है गाइस, किसकी अनुमति के बाद? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया गाइस। किसकी अनुमति के बाद? राष्ट्रपति, ठीक है ना, जब तक राष्ट्रपति अपने साइन नहीं करेगा, जब तक वो स्वीकृति नहीं देगा, तो कोई भी अधिनियम कानून नहीं बनेगा। सभी को समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देख लो आप, सभी बच्चे देखेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे बताएंगे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है गाइस? अग्नाशय वाहिनी, छोटी आंत, बड़ी आंत या ग्रसिका, क्या होता है इसका राइट आंसर बताओ जल्दी गाइस, क्या हो जाएगा? तो देखिए सबसे आपका लंबा हिस्सा कौन सा होता है, तो छोटी आंत का होता है, सबसे लंबा हिस्सा आपका छोटी आंत का होता है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देखो, इस क्वेश्चन को देखो सभी बच्चे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन आपका, भारत में जो स्टॉक मार्केट होता है ना, जहाँ से शेयर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? कौन सी केंद्रीय जो एजेंसी है वो आपकी जिम्मेदार है, जल्दी से बता दो मुझे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कह चुके इसका राइट आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी सेबी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको मुंबई में, कई बार मुख्यालय पूछा गया आपका, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देखो, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर गाइस। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? जो हाइड्रोजन बम होता है गाइस, ये किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है, किस पर आधारित है गाइस, तो एक बार सभी बच्चे मुझे बता दूं, जल्दी जल्दी आंसर दो गाइस, जल्दी से आंसर दो। देखिए गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ताप नाभिकीय संलयन, ठीक है ना, ताप नाभिकीय संलयन। सभी को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देखो सही बच्चे, ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन सा खिलाड़ी है? और बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, इसने अपने जीवन में काफ़ी सारा संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया गया, इनके बारे में एक बार पढ़िएगा गूगल पर जरूर। देखो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा माइकल फ्लैप्स, ठीक है ना, माइकल फ्लैप्स ने ये बहुत ज़्यादा अवार्ड जीते, काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया था, ये अमेरिकी तैराक हैं,
ये अमेरिकी तैयार है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो एक बार गाइस। ये एमएस आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है। एसएससी एमटीएस का आपका जो 20 अगस्त को पेपर हुआ था उसका फर्स्ट और सेकंड दोनों मीटिंग के आपके क्वेश्चन ये, इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर। विश्व का सबसे ऊँचा पठार कौन सा गाइस, विश्व का सबसे ऊँचा पठार इनमें से कौन सा है, तिब्बती पठार, मेघालय पठार, छोटा नागपुर पठार या दक्कन का पठार। आंसर दे दो क्या होगा, ए बी सी डी में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा गाइस, जल्दी आंसर दो। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, तिब्बती पठार। सभी को समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देखो। एज इट इज पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लेके आऊँ सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके आए थे। बताइए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है, जो आपकी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है ये किस समीकरण पर आधारित है गाइस, जल्दी बता दो मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में। जल्दी आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आंसर दे दो। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे। क्लास सभी को अच्छी लग रही है गाइस। अगर आपने अभी तक आपने ब्राइट लर्न विद एम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन गाइस जरूर बताना, बेल आइकन जरूर दबाना गाइस, ठीक है ना। चलिए गाइस देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सभी को समझ में आ गया ना, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था ये नियम। चलिए अगला क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देखो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला राजकोषीय बिल का एक प्रकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला राजकोषीय बिल का एक प्रकार नहीं है गाइस, जल्दी से एक बार बता दो मुझे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर गाइस। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, 728 दिन, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना हो सकता है, 364 दिन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देखो। निम्न में से कौन सा तत्व है जो एक उपधातु है गाइस, जल्दी बताइए कौन सा तत्व है जो उपधातु है आपका, बिस्मिथ, टिन, फास्फोरस या सिलिकॉन। जल्दी से आंसर दे दो कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आंसर दे दो आप। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है ना, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा सिलिकॉन। सभी को समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देखो। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हुई थी, जल्दी बताओ गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी मुगल सेनाओं से लड़ते हुए। आंसर देंगे सही बच्चे, सभी बच्चे आंसर दो गाइस। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन डी हो जाएगा रानी दुर्गावती, ठीक है ना, ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर आपका, रानी दुर्गावती। चलिए अगले क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देखो। पुंडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी, पुंडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी, जल्दी बताओ पुंडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी गाइस, पहली महिला की बात हो रही है यहाँ पे और वो भी महानिदेशक। आंसर दे दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर गाइस, बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सुंदरी नंदा, ऑप्शन ए एकदम सही है सुंदरी नंदा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो एक बार। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोडेयार राजवंश का शासन था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोडेयार राजवंश का शासन था, जल्दी बताओ किस स्थान पर था गाइस, तो वो कहाँ पर था जल्दी आंसर दो, पटना में, मैसूर में, जबलपुर में या गुवाहाटी में, कहाँ पर था आपका, तो देखिए गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा मैसूर, ठीक है ना, ऑप्शन बी एकदम सही है मैसूर में। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देखो। फेसबुक के संस्थापक है गाइस, फेसबुक के संस्थापक की बात हो रही है तो कौन है वो फेसबुक के संस्थापक, लैरी पेज हो जाएगा, जिमी बेस्टर हो जाएगा, ब्रायन एक्टन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, आंसर दो जल्दी से गाइस क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन डी हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग, ठीक है ना, मार्क जुकरबर्ग। सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो गाइस। एसएससी एमटीएस का 20 अगस्त को पेपर हुआ था 2019 में, उसका फर्स्ट और सेकंड मीटिंग के आपके पेपर हैं ये पूरे, ठीक है ना, एज इट इज पेपर है। चलिए गाइस इसका आंसर देंगे सही बच्चे। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था, किस देश ने लागू किया था गाइस, जर्मनी ने, यूएसए ने, कनाडा ने, फ्रांस ने, जीएसटी से संबंधित ये क्वेश्चन है, जल्दी बताओ गाइस।
देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्रांस हो जाएगा। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा था, तो वो फ्रांस था। सभी को समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको एक बार देखो। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। कौन सी गैस है जिसको ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहते हैं, क्या जल्दी बताओ। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, सभी को समझ में आ गया ना। कार्बन डाइऑक्साइड को जमाने पर ये एक दूध की तरह हो जाता है। सभी को समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन नहीं रहा, इसको देखो एक बार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको एक बार देखो। फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित 38वीं जीबी मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता था गाइस, एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता था गाइस, जल्दी से आंसर दे दो एक बार सभी बच्चे। इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखिए गाइस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी एकदम सही है, कविंदर सिंह बिष्ट। ठीक है ना, कविंदर सिंह विशिष्ट। सभी को समझ में आ गया, ऑप्शन डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देखो। चलिए इसका आंसर एक बार दे दो सभी बच्चे। मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है, जल्दी बताओ। मिथाइल प्रोपेन जो है आपका निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है, जल्दी आंसर दे दो सभी बच्चे। इसका सभी बच्चे आंसर दे देंगे, क्या हो जाएगा राइट आंसर, एन प्रोपेन हो जाएगा, एन हेक्सेन हो जाएगा, एन पेंटेन हो जाएगा, या आपका एन बेटेन हो जाएगा। मिथाइल प्रोपेन की बात हो रही है, जल्दी बताओ गाइस, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, एन ब्यूटेन। ठीक है ना, एन ब्यूटेन एकदम करेक्ट आंसर है आपका। सभी को समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चले, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देखो सभी बच्चे। 1876 में कलकत्ता में द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, किसने की थी स्थापना, जल्दी से आंसर दे दो। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, आनंद मोहन बोस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आनंद मोहन बोस ने 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देखो। 19 मार्च से 4 अप्रैल 2019 तक आयोजित हुई भारत इंडोनेशिया समवती गश्ती यानी इंडो कॉरपोरेट के संस्करण का उद्घाटन पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया, तो वो कौन सा वह संस्करण था, एक बार जल्दी से आंसर दे दो गाइस, कौन सा संस्करण था वो आपका, आंसर दो गाइस इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 33वां संस्करण था वो आपका। ठीक है ना, 33वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देखो सही बच्चे। जे जे थॉम्सन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जो जे जे थॉम्सन थे, किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था, जल्दी बताओ गाइस। सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि जे जे थॉम्सन ने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, पॉजिट्रॉन्स की, या प्रोटॉन की, कैसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन। 12th में सभी ने पढ़ा होगा, जिसने पीसीएम होगा जिसके पास, सभी ने पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। चलेगा अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको ये देखिए एक बार, इस क्वेश्चन को एक बार देख लो सभी बच्चे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद ने में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। उच्चतम न्यायालय के वो कौन से न्यायाधीश थे, कौन से जज थे जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया पहली बार, जल्दी बताओ गाइस कौन थे वो आपके। काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा गया गाइस। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जस्टिस रामास्वामी। सभी को समझ में आ गया ना, जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग चलाया गया था आपका, किसमें, संसद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको देखेंगे सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो एक बार। चलिए इसका राइट आंसर बताओ सभी बच्चे, क्या हो जाएगा, खेल नृत्य रूप थोड़ा शब्द का किस राज्य से है, जल्दी बताओ। थोड़ा का संबंध किस राज्य से है, थोड़ा जो है नृत्य आपका, इसका संबंध किस राज्य से है, जल्दी बताओ।
जो आपका खेल नृत्य का रूप है आपका थोड़ा, इसका संबंध किस राज्य से है? बहुत बड़े कैसे आंसर दो एक बार जल्दी से सही बच्चे। देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन डी एकदम सही आंसर आपका। सभी को समझ में आ गया ना, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देखो। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के तीन सबसे सस्ते शहरों में से एक नहीं है? गाइस जल्दी से बताओ। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो भारत के तीन सबसे सस्ते शहरों में से एक नहीं है? जल्दी से आंसर दो गाइस। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मुंबई। ठीक है ना, मुंबई सस्ते शहरों में से एक नहीं है। ठीक है ना, मुंबई बहुत महंगी सिटी है। सभी को समझ में आ गया? चलिए गाइस अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देखो। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी गाइस? देखिए फर्स्ट मीटिंग में भी क्वेश्चन है आपका सोमनाथ मंदिर से संबंधित, और सेकंड मीटिंग में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया एसएससी एमटीएस में। सभी को मैंने बता दिया एसएससी एमटीएस का पेपर है आपका, ठीक है ना, 20 अगस्त का एसएससी एमटीएस का। चलिए गाइस आंसर दे दो। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, महमूद गजनी। ठीक है ना, महमूद गजनी। सभी को समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन यार इसको एक बार देखो। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, यानी कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है? जल्दी से बताओ। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला, यानी कि कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है? गाइस जल्दी से बताओ कौन सा नृत्य जो आपका हिमाचल प्रदेश का एक रूप है। देखिए गाइस इसका कौन सा रूप हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी एकदम सही है, छम। ठीक है ना, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम सही है, छम नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। सभी को समझ में आ गया, जो बौद्धों द्वारा यूज किया जाता है बुरी आत्माओं को भगाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन ही रहा, इसको एक बार देखो। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सही बच्चे, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो मलिमत समिति की रिपोर्ट थी, मलिमत समिति की रिपोर्ट थी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गाइस आंसर देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन का लेवल आपको पता चल रहा होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम कैसे आते हैं आपके, एग्जाम का लेवल कैसा आ गया। ठीक है ना, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। हमेशा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को जरूर देखना चाहिए, अपनी तैयारी स्टार्ट करने से पहले सिलेबस को, और उसके साथ साथ जो पिछले ईयर के पेपर हैं उन सभी को देखना चाहिए कि एग्जामिनर कहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकता है और कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। गाइस जल्दी से एक बार इसका आंसर दे दो, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखिए गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार। ठीक है ना, मलिमत समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है आपकी, तो आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से। सभी को समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देखो सही बच्चे। जो मुसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां का, जल्दी बताओ। मुसी तथा भीमा जो है ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी की, कृष्णा की, महानदी की, या ब्रह्मपुत्र की? गैस कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से आंसर दे दो एक बार। सभी बच्चे रोजाना 9 बजे लाइव आएंगे, 9 PM पे सभी बच्चे लाइव आएंगे गैस। ठीक है ना, हर रोज सोने से पहले का डोज है ये, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चलिए गाइस एक बार आंसर दे दो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन भी हो जाएगा कृष्णा, कृष्णा नदी की सहायक नदियां ये। सभी को समझ आ गया ना, कृष्णा नदी की सहायक नदियां ये। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देखो, इसका राइट आंसर एक बार बता दो गाइस। मार्च 2019 में मनोहर पारिकर के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? जल्दी बताओ। मार्च 2019 में जो मनोहर पारिकर का निधन हो गया था, इसके बाद गोवा के नए CM कौन बने थे, चीफ मिनिस्टर कौन बन गए थे नए, जल्दी से बताओ इनके बाद। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, प्रमोद सावंत। ठीक है ना, सभी को पता होगा
प्रमोद सावंत। अगले क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देख लो सभी बच्चे। चलिए, श्रृंखलन का गुण में प्रबलता होता है, जो आपका श्रृंखलन होता है इसका गुण किस में प्रबल होता है? जल्दी बताओ, कैट नेशन का गुण किस में प्रबल होता है? आंसर देंगे सही बच्चे, कैट नेशन का गुण में प्रबल होता है कार्बन में, सल्फर में, सिलिकॉन में, नाइट्रोजन में। तो गाइस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दे दो एक बार। देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन। ठीक है ना, इसके बाद सिर्फ आपके तीन क्वेश्चन और रह गए, ओनली 3 क्वेश्चन आर लेफ्ट गाइस। चलिए, ये SSC MTS का पेपर था। जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चा सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर एग्जाम अभी देख रहे हैं, कल से CGL के एग्जाम देखेंगे, कल से CGL के। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बादम पहाड़ खानों में से खनन किया जा रहा है? क्या जल्दी से बताओ, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बादम पहाड़ खानों में से खनन किया जा रहा है? डोलोमाइट, बॉक्साइट, यूरोराइट या आपका हेमेटाइट हो जाएगा? जल्दी बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर, एक बार जल्दी से आंसर दे दो गाइस। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, हेमेटाइट। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, हेमेटाइट। सभी को समझ में आ गया? चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देखो। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एंड टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? गाइस जल्दी से बताओ, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना एंड टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी गाइस, जल्दी से एक बार आंसर दे दो गाइस, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दे दो। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन भी हो जाएगा, 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी गाइस, तो 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप वीडियो सभी को अच्छी लगी होगी, सभी ने अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे। और गाइस, जिसने भी 35 क्वेश्चन दिए, 35 क्वेश्चंस से ऊपर दिए हैं, उसकी तैयारी अच्छी है, उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए। और जिसके अभी 30 से कम नीचे हैं, 30 तक हैं या 30 से कम हैं, तो गाइस उसको ज़रूरत है थोड़ी सी अपने आप पर मेहनत करने की, ठीक है ना। तो वो अपने आप पर मेहनत करें। इसका आंसर एक बार बता दो, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति यानी सुंदरी में पाई जाती है, जल्दी बताओ कहाँ में पाई जाती है? तो गाइस, आपके किस में पाई जाती है आपकी, ये ऑप्शन सी एकदम से हो जाएगा, मैग्रोवन में। आई होप सभी को अच्छी लगी होगी क्लास, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो क्लास कैसी लगी आप सभी को, सभी ने क्वेश्चन अच्छे से देख लिए। गाइस, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो सभी बच्चों के पास, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए, ठीक है गाइस। चलिए, अगली क्लास में फिर मिलेंगे सुबह 10:30 पे, करंट अफेयर्स वाली क्लास में, जिसमें हम करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है गाइस। चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।